आइए साथ मिलकर योग की एक वैज्ञानिक खोज का प्रारंभ करें, जहां आप वैज्ञानिक हैं और प्रयोगशाला है आपका हृदय, और आप ही हैं परिणाम। नमस्कार, दाजी के साथ ध्यान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अब तक दाजी ने हमें हार्टफुलनेस के अनेक पहलुओं से अवगत कराया है। उन्होंने हमें यह भी बताया है कि जीवन के अनेक पड़ावों पे क्या होता है। जीवन में जिन भावनाओं का हमें सामना करना पड़ता है, उस पर भी दाजी ने चर्चा करी है। आज वो एक ऐसी भावना के बारे में बात करेंगे जिससे हम सब जूझते हैं। ये है क्रोध। क्रोध और रोष स्पष्ट सोच को रोकता है। जरा सोचिए कि स्पष्ट सोच के अभाव में आप किस तरह का निर्णय लेंगे। समृद्ध अच्छे गुणों के अभाव में आप किस प्रकार की नियति का निर्माण कर सकते हैं। इरादों की शुद्धता को खोने के बाद आप किस प्रकार से दिव्य के साथ नियति को बुन सकते हैं। भगवान बुद्ध ने एक बार कहा था कि कोई भी बुरे शब्दों का उपयोग कर सकता है और आपको अपमानित करने का प्रयास कर सकता है, लेकिन ये उसकी समस्या है। यदि आप कोई प्रतिक्रिया देते हैं तो आप एक गुलाम हैं। कोई प्रतिक्रिया नहीं दे तो कहानी समाप्त। गुलाम होने की बजाय अपनी भावनाओं को काबू में रखना सीखे। अपने क्रोध को पूरी तरह से जानकर और एक उच्च समझ विकसित करके ये संभव है। आइए अब साथ में देखते हैं ये फिल्म जिसमें दाजी ने क्रोध पर और प्रकाश डाला है। क्रोध। क्या आप कभी किसी पर गुस्सा हुए हैं? कभी अपने गुस्से को टाला है? क्या आप इसे टाल सकते थे? क्रोध एक ऐसी ऊर्जा है जो प्राकृतिक है। ये आवेग की तरह है। एक बार ये ऊर्जा भीतर से बाहर निकल जाए, क्रोध की ऊर्जा, तो इसे नष्ट करना बहुत कठिन है। ऊर्जा कोई भी हो, नष्ट नहीं की जा सकती। ये प्रकृति का नियम है। लेकिन हम इस ऊर्जा का स्वरूप अवश्य बदल सकते हैं। हम क्रोध की बदसूरत ऊर्जा को करुणा के सुंदर पुष्प में रूपांतरित कर सकते हैं। क्या आप क्रोध की उत्पत्ति के विभिन्न चरण समझना चाहेंगे? मान लीजिए आपकी कोई इच्छा थी, आपकी अपने प्रियजनों से कोई अपेक्षा थी, या कोई इच्छा जिसे वो पूरा नहीं कर पाए। इससे आप दुखी हो जाते हैं। कुछ लोगों में दुख से क्रोध उपजता है। वास्तव में ऐसे व्यक्ति भयभीत हो जाते हैं। हालांकि वे अपना ये भय दूसरों पर डालना चाहते हैं, पर वे खुद अपने ही स्व से भयभीत हो जाते हैं। मुझे इस समस्या का एक ही हल नजर आता है कि हम इस गुस्से की ऊर्जा को किसी अन्य रूप में रूपांतरित कर दें। अगर किसी तरह उस पल हम रुक जाएं और धैर्यपूर्वक प्रार्थना करें, हालांकि मैं मानता हूं कि ये काफी कठिन है, परंतु ऐसे पल होते हैं जब आप उस पल में वापस लौटकर कह सकते हैं, ठीक है, मैं अब और विचलित नहीं होऊंगा, मैं अभी गुस्सा नहीं करूंगा। और फिर अगर आप इस पर मनन करें या शायद कुछ समय ध्यान कर लें, तो क्या होगा? इस क्रोध की सूरत धीरे धीरे बदलने लगेगी। ये अपना रंग बदल लेगा, अधिक करुणामय हो जाएगा। और जब ये परिवर्तन होता है तो मैं स्वयं भी बदल जाता हूँ। विकास और रूपांतरण की इस प्रक्रिया में अपना गुस्सा दूसरों पर निकालने के बजाय मैं अंतर्मुखी होकर अपनी गलती खोजने लगता हूँ, और हृदय में एक वास्तविक पश्चाताप के साथ मैं आत्म सुधार में लग जाता हूँ। ये सब सिर्फ समझ के कारण, सही समझ के कारण और सही सोच के साथ अपने हृदय की गहनता में ध्यान लगाने से होता है। उस समय आप कह सकते हैं, वाह, मैंने अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है। तो ये ईश्वर द्वारा दी गई चीज है। ये प्रकृति ने दिया हुआ है। ये हम पर है कि हम इसे कैसे बदलकर बेहतर बना लें। इस ऊर्जा को रूपांतरित करने का एक तरीका ये है कि कुछ समय के लिए रुकें, थोड़े समय के लिए शांत रहें। ठीक तब जब आपको गुस्सा आने वाला है, आप थोड़ा ठहरें और कहें, ठीक है, मैं अपना गुस्सा आज नहीं कल दिखाऊंगा।
अभी जरा हालात का जायजा ले लेता हूँ। आप इस समय ध्यान लगाकर सारी स्थिति का विश्लेषण कर सकते हैं और हो सकता है कि आपको पता लगे गलती आप ही की थी। तब आप ईश्वर के शुक्रगुजार रहेंगे कि मुझे सोचने का ये एक घंटा मिला, ये अद्भुत रहा। अच्छा हुआ मैंने गुस्सा नहीं किया। क्रोध का असली उपयोग अपने आप को सुधारने में है, पर हम सदा इससे दूसरों को सुधारने की कोशिश करते हैं। तो ये ठहराव, क्रोध के पैदा होने और उसके अभिव्यक्त होने के बीच का ठहराव जरूरी है। दूसरा तरीका ये है, आपको पता है जब कोई स्त्री या पुरुष गुस्से में हो तो दो चीजें होती हैं। पहले उनकी मुट्ठियां भिज जाती हैं, ठीक है ना। इसलिए जब अगली बार आपको लगे कि आपको गुस्सा आ रहा है तो अपने हाथों को ढीला छोड़ दीजिए और इस ऊर्जा को प्रकृति की ओर प्रवाहित कर दीजिए। दूसरी चीज, जब आपको गुस्सा आता है तो जबड़े भिज जाते हैं, तो आप अपने जबड़ों को भी ढीला छोड़ दें और उन्हें वैसा ही बना रहने दें। शरीर विज्ञान के अनुसार अगर आप ऐसा 5 मिनट के लिए कर सकें तो आपके विचलित और गुस्सा होने का कितना भी उचित कारण हो, आप गुस्सा कर नहीं सकेंगे और इस तरह आप अपनी क्रोध की भावना पर प्रभुत्व प्राप्त कर लेंगे। इस तरह आप अपने आप को न सिर्फ मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी सुरक्षित रखते हैं। दूसरे व्यक्ति के मनोभाव की सही समझ और मेरी अपनी ओर से सही सोच आखिरकार मुझे सही समझ की ओर ले जाएगी और यही हमें क्रोधित समाज या क्रोधित परिवार बनने से बचाएगी। और अब हम सब करते हैं दाजी के साथ रिलैक्सेशन और ध्यान। अगर आप तैयार हैं, आराम की मुद्रा में बैठ जाएं अपनी पसंद से। कृपया हल्के से अपनी आंखें बंद करें। अब अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं, अपने पैरों पर ध्यान दें। धरती मां से आने वाली ऊर्जा को महसूस करें जो आपके शरीर में आ रही है पैरों से। कल्पना करें ये प्रवेश कर रही है, आपको रिलैक्स कर रही है, आपके पैरों को, टखनों को, निचली टांगों को, पिंडलियों को, आपके घुटनों को। इस ऊर्जा को ऊपर बढ़ने दें। जांघों को रिलैक्स होने दें। आपके हिप्स, इस ऊर्जा को ऊपर बढ़ने दें आपकी कमर की ओर। इस हिस्से को रिलैक्स होने दें, इसे और ऊपर जाने दें। ठेठ कंधों तक, पूरी पीठ को रिलैक्स होने दें। अब सोचें कि ये ऊर्जा आपके पेट में जाकर पेट को रिलैक्स कर रही है। छाती को भी। महसूस करें कैसे कंधे पिघल रहे हैं। इस ऊर्जा को अपनी ऊपरी भुजाओं में उतरने दें, अपनी कोहनियों, निचले हाथ, हथेलियों और उंगलियों के सिरे तक।
अपने शरीर को गर्दन से पैरों तक रिलैक्स महसूस करें। इस ऊर्जा को बढ़ने दें गर्दन की मसल्स में। देखिए वो कैसे रिलैक्स हो रही हैं। अब इस ऊर्जा को और आगे बढ़ने दें आपके चेहरे की मसल्स में। आपकी पलकें पूरी तरह से रिलैक्स हैं। आईब्रोज, आपका ललाट, नाक, होठ, आपके कान और सिर का शीर्ष भाग, अब देखें सारी ऊर्जा पूरे सिस्टम में स्फूर्ति भर रही है, सिर से पैर तक। अब धीरे से अपना ध्यान हृदय की ओर फोकस करें और कल्पना करें कि प्रकाश, दिव्य प्रकाश का स्रोत आपके हृदय में पहले से ही मौजूद है, जो आपको भीतर की ओर आकर्षित कर रहा है। मन में इस विचार को लेकर कृपया कोई जोर जबरदस्ती ना करें, अत्यंत विनम्र रहें। यदि विचार आए तो स्वयं को बस याद दिलाएं कि आप ध्यान कर रहे हैं दिव्य प्रकाश के स्रोत की उपस्थिति पर, जो आपके हृदय में पहले से ही है। मैं आपको ट्रांसमिट करूंगा ये प्राणाहुति। आप में से अधिकांश इसकी प्रेजेंस महसूस कर पाएंगे और आपको इस सत्र के परिणाम पसंद आएंगे। कृपया अपना ध्यान जारी रखें। जब यह पूरा हो जाएगा तो मैं कहूंगा दैट्स ऑल। Thank you.
दैट्स ऑल। अब अपनी आंखें बंद रखते हुए धीरे धीरे ध्यान की स्थिति से बाहर आएं। कृपया नोट कर लें आपको कैसा लगा। हम अपने ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं। आप दाजी के साथ ध्यान कार्यक्रम में भाग लेते आ रहे हैं। अब हम प्रस्तुत करना चाहेंगे कुछ ऐसी पुस्तकें जो दाजी ने लिखी हैं और जो आपके आध्यात्मिक अभ्यास में लाभकारी होंगी। इनमें से पहली पुस्तक है द हार्टफुलनेस वे। ये दाजी और श्री जोशुआ पोलक ने संयुक्त रूप से लिखी है। आधुनिक जीवन हमारे सामने कई चुनौतियां पेश करता है। कैसे इन चुनौतियों का सामना करा जाए, कैसे हम अपने अंदर वो शक्ति पाएं, वो साहस पाएं और वो प्रेम पाएं जो इन चुनौतियों को पार करने के लिए जरूरी है। बिगड़ती परिस्थिति में भी कैसे हम अपना संयम कायम रखें। दाजी का ज्ञान भारत की प्राचीन ऋषि परंपरा से प्रेरित है। दाजी हर चीज को सिर्फ आध्यात्मिक पहलू से नहीं बल्कि एक व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी देखते हैं। हार्टफुलनेस वे पुस्तक में श्री जोशुआ पोलक ने दाजी से कई मुद्दों पे प्रश्न किए हैं और दाजी ने जो उत्तर दिए हैं वो हम सब का आध्यात्मिक और व्यावहारिक पथ पर मार्गदर्शन कर सकते हैं। आशा है कि आप सब इस अनमोल पुस्तक का लाभ उठाएंगे। द हार्टफुलनेस वे बाय दाजी एंड जोशुआ पोलक। दाजी के साथ ध्यान कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया अगले हफ्ते फिर जुड़िएगा हमारे साथ।